वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर सिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और ध्यान से आप लोग इस चीज को समझिएगा। तो देखिए, फैक्टर्स अगर और मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स? व्हाट आर फैक्टर्स? देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, अगर हमने आपसे कहा कि नंबर 4 जो है, 4 नंबर, वो किस किस टेबल से डिविजिबल है, वो किन किन टेबल से डिविजिबल है, या फिर 4 किस किस के टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तो मतलब अगर हम 4 को कहें, अगर मैं 4 को कहूं तो कहोगे सर ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो ये 1, 2 और 3 क्या है? यही होते हैं फैक्टर्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो जो संख्याओं से डिविजिबल होता है, जिन जिन संख्याओं से वो डिवाइड हो जाता है, वो सभी संख्याएं उस नंबर की फैक्टर्स होती है। क्या होती है? फैक्टर्स होती है। जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8, तो आप कहेंगे सर 8 जो है वो 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है सर, 4 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। तो ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं 8 के। क्या है? 8 के फैक्टर्स हैं। और आप देखोगे कि सर सभी नंबर में 1 आता है, सभी नंबर में, चाहे जिस नंबर का भी फैक्टर मैं निकाल लूं, सब नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं, सब नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा कि 1 इज द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर, 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। सभी नंबर का 1 क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। भाई कॉमन क्या होता है? जो सब में आता है, और जो सब में आता है क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी संख्या हम ले लें, चाहे जो संख्या ले लें, उस संख्या का 1 तो फैक्टर होना ही होना है। तो 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो फैक्टर के बारे में समझ गया ना। अब हम आपको बताने वाले हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा मल्टीपल्स जो है, देखिए इसमें आपको एक शब्द समझ में आ रहा है। तो मल्टीपल में आप एक वर्ड देख रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो बस काम हो गया आपका। यहां पर देख रहे हैं मल्टीप्लाई, आप देख रहे हैं नंबर में। इसका मतलब कि मैंने अगर आपसे कहा राइट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 2, राइट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 2, राइट द 3 मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 के, सॉरी 2 के 3 मल्टीपल लिखिए। 3 मल्टीपल का मतलब होता है 2 की टेबल हमें 3 बार पढ़नी है, यानी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 1 2 3, ये क्या है? ये मल्टीपल्स है। क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। ये मल्टीपल है तो किसके हैं? सर ये 2 के मल्टीपल है। क्या है? 2 के मल्टीपल है। तो जो संख्या उस टेबल में आती है, जैसे मैंने कहा कि राइट द मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? 4 की टेबल लिखना शुरू कर दोगे कि जो संख्या दिए गए नंबर में, जो उसके टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो उस संख्या क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। जैसे मैंने कहा राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के
फोर के पांच मल्टीपल लिखिए, मतलब फोर की टेबल हमें पांच बार पढ़नी है। तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, एक दो तीन चार पांच, दीज आर द फाइव मल्टीपल्स ऑफ फोर। ये क्या है, फोर के पांच मल्टीपल मैंने आपको दे दिए। तो ये था कॉन्सेप्ट फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। अब हम आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इतना अपनी कॉपी में नोट कर लें, रफ कॉपी में रिवाइज करने के लिए, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं तो आप अच्छे से जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। ये वीडियो पूरी तरह से मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ओ प्राइम नंबर क्या है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अगर आप ये बेसिक समझ लेते हैं तो आने वाली जो एक्सरसाइजेस जो करनी है आपको बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं नेचुरल नंबर, ध्यान सुनिएगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर जहां तक भी आप काउंट कर सकें, जहां तक भी आप काउंट कर सकें, वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां तक आप काउंट करें, 199, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सभी नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब कहोगे सर तो फिर जीरो क्या है, कहोगे सर जीरो क्या है, तो बेटा जीरो क्या है, जीरो इज अ होल नंबर। जीरो कौन सा नंबर होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो होल नंबर है, समझ रहे, जीरो इज अ होल नंबर। अब सर जीरो होल नंबर है और वन से लेके जहां तक भी आप इनफाइनाइट तक, जहां तक भी आप सोच सकें, वो सभी नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैंने जीरो से स्टार्टिंग कर दिया तो सभी नंबर क्या होंगे, होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर। तो मैं यहां पर एक हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि All the natural numbers are whole number. क्या सभी natural number whole number होते हैं, कहोगे नहीं सर, natural number तो one से start होते हैं, whole आपका zero से start होता है, तो सभी नहीं होते। क्या all the whole numbers are natural number, नहीं सर, क्योंकि zero is a whole number, not a natural number. ठीक, तो ये था natural number और whole number concept। मतलब जो number one से start हो सब natural number है, जो number zero से start हो वो सब whole numbers। समझ गए, नेक्स्ट। अब इस नेचुरल नंबर के कुछ पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्या क्या है सुनिएगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो आपको पढ़ने में वो बता रहा हूं आपको, ठीक है, और भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब एक एक करके ध्यान से बेटा, बिल्कुल आसान से मैं आपको बताने वाला हूं, तो सभी लोग पूरी वीडियो को आराम से देखे बैठे, ठीक है। चलिए इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर। फिर बोलिएगा, जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर कौन सा नंबर है, कहोगे सर फोर जो है टू के टेबल में आता है, डिवाइड होता है, इसलिए फोर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है।
तो मैं यहां पर एक लाइन आपको दिखाने वाला हूं कि अगर किसी भी नंबर में, अगर किसी भी नंबर में बिल्कुल लास्ट में, आखिरी में, या 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई भी संख्या आती है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई संख्या आती है तो वो कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। फिर से, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, या फिर जो भी नंबर में लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई संख्या आती है तो वो कौन से नंबर है? इवन नंबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर। अब सर, ऑड नंबर को हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी संख्या के लास्ट में 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई संख्या आ रही है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी संख्या आ रही है तो वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। जैसे मैंने कहा कि 23 कौन सा नंबर है, कहोगे सर ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि सर लास्ट में 3 आ रहा है, और आपने बताया है अगर लास्ट में 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई संख्या आ रही है तो वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। समझ गए ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। प्राइम नंबर देखिएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को प्राइम में, तो मैं आपको चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो, या तो खुद के टेबल से डिविजिबल हो, या तो एक का भला करेंगे या तो खुद का भला करेंगे, किसी और का भला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे सर? प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा क्या 1 प्राइम नंबर है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो इवन नंबर है। ठीक, जो आपका 1 है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो मैं यहां कहूंगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। कौन होता है? 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2। अब सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 की टेबल से डिविजिबल हो, या तो खुद की टेबल से डिविजिबल हो, किसी और टेबल से डिविजिबल ना हो, तो वो नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, क्या 2 प्राइम नंबर है? यस सर, 2 केवल 1 से डिविजिबल है और खुद की टेबल से डिविजिबल है, इसीलिए 2 प्राइम नंबर है। क्या 3 प्राइम नंबर है? यस सर, 3 भी खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या 11 प्राइम नंबर है? क्या 11 प्राइम नंबर है? नहीं सर, 11 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर हो गया, 11 इज अ प्राइम नंबर। समझ गया ना? 11 प्राइम नंबर है, 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है, तो 11 प्राइम नंबर है। क्या 13 प्राइम नंबर है? यस सर, 13 इज आल्सो प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा लास्ट में 3 आएगा तो ऑड नंबर होगा, हो सकता है कोई नंबर अब प्राइम होने के साथ साथ ऑड नंबर भी हो सकता है, तो उस चीज को आप लोग गौर करिएगा। जैसे मैंने आपको कहा 3 तो प्राइम नंबर है ना, तो 3 ऑड नंबर भी तो है, 3 ऑड नंबर भी तो है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है सर, 13 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी आपका वो ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, एक नंबर प्राइम और ऑड दोनों हो सकता है। तो ये प्राइम नंबर है, जो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल वो प्राइम नंबर है। अब अगर आपसे कहूं क्या 19 प्राइम नंबर है, तो यस सर, 19 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड खुद से इटसेल्फ, तो प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर इसी का उल्टा है सर, ये 1 से या खुद से डिविजिबल हो तो प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई नंबर खुद से, 1 से और किसी एक संख्या से और हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। भाई ये देखिए, ये केवल 2 ही संख्या से तो डिविजिबल होगा, खुद से और एक से, तो मैं कहूंगा कि प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं।
जाहिर सी बात है सर, प्राइम नंबर के दो फैक्टर। अब अगर अगर कोई संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल फोर। अब आप कहोगे सर फोर तो आपने कहा इवन नंबर है, तो ये भी हो सकता है। कोई नंबर इवन होने के साथ साथ कंपोजिट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर फोर वन से डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर कितने आ गए? तीन फैक्टर। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। यानी किसी संख्या के अगर दो फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, किसी संख्या के दो से ज्यादा चाहे तीन ही हो तो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। मैंने आपसे कहा बताइए 16 कौन सा नंबर है, कहोगे सर इवन नंबर भी है कंपोजिट नंबर भी। सर कंपोजिट क्यों है? क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है कोप्राइम नंबर। अगर किन्हीं दो नंबर के किन्हीं दो नंबर में अगर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, अभी बताया था आपको मैंने, कॉमन फैक्टर 1 हो, क्या हो? 1 हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 3 and 8, 3 और 8, क्या 3 और 8 में कोई चीज कॉमन आ रही है? सर 1 ही कॉमन है। तो फिर जिसका एक फैक्टर कॉमन होता है ओनली 1, केवल जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, 1 फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 नंबर नंबर, वो कौन सा नंबर होता है? कोप्राइम नंबर। समझ गए? ये था कॉन्सेप्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में इस्तेमाल होने वाले। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, ये नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में अभी भी नहीं आया है वो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा समझाने का आपको। वीडियो को जब 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में चीजें खुद स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। सो आज हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, यहीं तक मैंने आपको बेसिक बता दिया जो आगे इस्तेमाल होने वाला है, और अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय टू ऑल।